हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं तेल और घी कब खरीद कर लाना चाहिए घर में। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन ये है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बड़े बूढ़े तो ये कहते हैं कि तेल और घी एक साथ खरीद कर नहीं लाना चाहिए, तो यदि आप ऐसा कर सकें तो बेटर है, और नहीं कर सकें तो कुछ ख़ास बात का आप ध्यान रख लें तो अच्छा होगा। आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तेल, सबसे बड़ी चीज़ है जो तेल है, मंगलवार को नहीं ख़रीदना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि शनिवार को तेल मत लाओ, हालांकि कई लोग लाते भी हैं घर में और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए शनिदेव शुभ होते हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं होती है। लेकिन जिनके लिए शनि बहुत अशुभ हैं, अनिष्टकारी हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार को वो तेल ना खरीदें। इसके अलावा मंगलवार को भी तेल की ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिन आप तेल लेकर आ सकते हैं, लेकिन यदि किसी का जन्मदिन है उस दिन अवॉइड करें, और इवन कोई त्यौहार भी है, अब जब आप कहेंगे दिवाली है, होली है, इन पे तो गुजिया बनाना और कुछ, तो एक दिन पहले ले आइए आप, लेकिन पर्टिकुलर त्यौहार का जो दिन होता है उस दिन आपको तेल लेकर नहीं आना चाहिए। अब घी, तेल और घी एक साथ नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो आप देख लीजिएगा अपनी सुविधा के हिसाब से, बाकी अवॉइड कर सकें तो बेटर है। थोड़ा एक दो दिन आगे पीछे करके ले आएँ, बाकी अर्जेंसी है तो फिर अर्जेंसी में कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अति आवश्यकता में आप नहीं निभा सकते सारी बातों को, ये भी मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है, बाकी आप अपनी सुविधा से उसको फॉलो कीजिए। और जिनको इसमें विश्वास नहीं है वो भले ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ जानकारी देती हूँ आपकी बेहतरी के लिए, आपका बढ़िया हो सके उसके लिए। तो आपको घी गुरुवार के दिन ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति घी का कारक है, शनि तेल का कारक है और बृहस्पति घी का कारक होता है। अब इसमें भी तेल में भी अलग अलग वैरायटी होती है कि पर्टिकुलर कौन सा तेल किस चीज़ के लिए होता है, तो वो एक अलग विषय है, उस पर मैं अलग से जानकारी आपको दूंगी, अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। यहाँ जो मैं मुख्य बात आपको बता रही हूँ, किस लग्न के व्यक्ति को घी काम में लेना चाहिए ज़्यादा और किस लग्न के व्यक्ति को तेल लेना चाहिए। प्रारंभ करती हूँ मेष लग्न से। मेष लग्न वाले व्यक्तियों को घी और तेल दोनों ही वो खा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक चीज़ और समझा देती हूँ आपको कि जिनके लिए मैं कह रही हूँ कि खा सकते हैं, क्योंकि तेल और घी दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना काम चलने वाला नहीं है, दोनों ही चीज़ें काम में लेनी पड़ती हैं, लेकिन जिनके लिए जो चीज़ शुभ है वो थोड़ा उसको अधिक काम में लेवें, यहाँ ये तात्पर्य है। तो आप मेष लग्न वाले घी और तेल दोनों ही काम में ले सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए तेल लकी रहता है, ऑयल शुभ रहता है, और वो चाहे तो शनिवार को तेल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिथुन लग्न वालों के लिए तेल और घी दोनों ही शुभ होता है। कर्क लग्न वालों को भूलकर भी शनिवार को तेल नहीं लेकर आना चाहिए और मंगलवार को भी नहीं लेकर आना चाहिए, गुरुवार को घी अवश्य लाना चाहिए उनको। अब मैं बात करती हूँ सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों पर भी वही बात लागू होती है जो मैंने कर्क लग्न के लिए बताई है। कन्या लग्न वाले घी और तेल दोनों का यूज़ कर सकते हैं और कभी भी लेकर आ सकते हैं, बट मंगलवार अवॉइड करें, मंगलवार को भूलकर भी तेल ना लाएं। तुला लग्न वालों को शनिवार को तेल लाने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे को अवॉइड करिए, ट्यूसडे को तेल मत लेकर आइए, और घी की तुलना में तेल का प्रयोग अधिक करें, घी कम यूज़ में लेवें। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक लग्न वाले घी और तेल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। धनु लग्न वाले भूलकर भी शनि और मंगल को तेल ना लेकर आएँ, घी उनके लिए ज़्यादा शुभ रहता है। मकर लग्न वालों के लिए तेल शुभ रहता है और शनिवार को आप तेल लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार को अवॉइड करें। कुंभ लग्न वालों के लिए वही बात लागू होती है जो मकर लग्न के लिए मैंने बताई। मीन लग्न वालों के लिए घी अधिक शुभ है, तेल का प्रयोग कम करें। अब शनिवार को भी वो तेल अवॉइड करें और मंगलवार को भी अवॉइड करें लाने के लिए। इसके अलावा किसी भी दिन आप तेल और घी लेकर आ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना आप, और सबसे बड़ी चीज़ है कौन सा घी खाएं, कौन सा तेल खाएं, ये भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।